जी मेरा नाम कुनाल नरुला है। आज हम अपने एक पूरे ट्रेडर यूनियन के साथ एक्साइज ऑफिस आए हुए हैं और हम यहाँ पे एक मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं, जिसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने एक्साइज कमिश्नर साहब और अपने हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी साहब और एलजी गवर्नर साहब से कि ये जो आपने ई ड्राफ्ट पॉलिसी का जो एक आपने मार्केट में जो एक नया ये निकाला हुआ, प्लीज़ इससे हमारी रोजी रोटी मत छीनी जाए। आपने नए लाइसेंसी मार्केट में देने हैं, आप दीजिए, ज़रूर दीजिए, सबको मौका मिलना चाहिए, लेकिन जो ऑलरेडी इस स्टेट में 20-25 साल से हैं आप उनकी रोजी रोटी मत छीनिए। क्योंकि जब हम लोग इस ट्रेड में आते हैं तो हम एक एफिडेविट साइन करते हैं जिसमें ये हमसे लिखवाया जाता है कि अगर आपको हम ये लाइसेंस देंगे तो उसके बाद आप आगे किसी भी गवर्नमेंट जॉब के साथ नहीं काम कर सकते हैं, ना आप आगे कोई और जॉब कर सकते हैं। आपको यही ट्रेड संभालना है और आपको यही शॉप चलानी है। तो अब आप हमें बताइए, जो हमारे इतने पुराने टाइम से, जो मेरे फादर साहब, मेरे दादाजी, मैं इस ट्रेड में हम इतने टाइम से बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अब हमें इस उम्र में कौन नौकरी देगा? कौन सी हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? कौन हमें इस वक्त देगा? मेरे घर पे बेचारे मेरे मॉम है, मेरे फादर साहब की डेथ हुई 8 साल होंगे, मैं अपनी मॉम को कहाँ से रोजी रोटी दूंगा कमा के? मैं ये मेरी रोजी रोटी छीनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि इस ई ड्राफ्ट पॉलिसी में सबको मौका मिलेगा। ये सब लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कर देता हूँ कि ये मौका सिर्फ और सिर्फ ब्लैक शीप्स को ही मिलेगा। जम्मू का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इस ई बिड पे बैठ पाएगा और जो इधर यहाँ पे बिड कर सकेगा। आज आके जो आउटसाइडर जम्मू के होंगे वही आएंगे, वही यहाँ पे बिड लगाएंगे, वही दोबारा यहाँ पे माफिया अपना जनरेट करेंगे और फिर यहाँ पे ट्रेड को नुकसान देके फिर चले जाएंगे। जैसे मेरे पहले भी हमारे जितने भी सीनियर मेंबर्स हैं उन्होंने पहले भी बताया हुआ है कि एक बार 2003 में भी ये ऑक्शन का हुआ था, उस टाइम पे भी सरकार के साथ कुछ इन्होंने अपने बनाए थे, 58 करोड़ में इनकी सेटलमेंट हुई थी, लेकिन उसके बाद 3 महीने वो चले गए थे, 3 महीने के बाद वो बिज़नेस छोड़ के चले गए थे। उसके बाद दोबारा हमारे ट्रेडर एसोसिएशन के मेंबर्स ने एक्साइज के साथ गवर्नमेंट के साथ मिलके इस ट्रेड को चलाया और 126 करोड़ का फ़ायदा दिया। तो हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारी लाइवलीहुड हमसे मत छीनी जाए और आप जैसे हर साल की तरह हमारा रिन्यू करिए लाइसेंस। आपको जो रेवेन्यू है वो हम कमा के देंगे, हम पहले भी कमा के देते थे, हम आज भी कमा के देंगे, हम आगे भी देंगे, लेकिन हम यूथ को बेरोज़गार मत कीजिए। पुरुषोत्तम कुमार, एक लाइसेंसी हूँ और पिछले 30 साल नियर अबाउट 30 साल से काम कर रहा हूँ शराब का। तो बड़ी विडंबना है कि इस समय ऐसा समय आ गया है कि जो पिछले 60 साल में नहीं आया। मैं पिछले तकरीबन 35 साल से भारतीय जनता पार्टी में हूँ, अच्छी अच्छी पोस्टों पे भी रहा हूँ और सबसे ज़्यादा हमारी भारतीय जनता पार्टी को लोगों द्वारा बदनाम किया जा रहा है कि बीजेपी वाले ये कर रहे हैं, बीजेपी वाले वो कर रहे हैं। यहाँ स्टेट से लेकर लोग सेंटर तक मोदी जी पर ब्लेम लगा रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ एक लोग सेक्रेटेड में ऐसे हैं जो IAS अफसर या KS अफिसर हैं जिन्होंने ऐसी गंदी पॉलिसी बनाई है कि 60 साल से काम कर रहे लोगों को घर से निकाल देना और नए लोगों को अपने घर में भर देना, ये बहुत बुरी बात है। ठीक है, आज बाहर से लोग आके यहाँ काम करेंगे किसी डोमिसाइल वाले को आगे करके, क्योंकि जम्मू के किसी भी बंदे के पास इतना पैसा नहीं जितना पैसा देना पड़ेगा, करोड़ों के हिसाब से देना पड़ेगा। और हमारे जो लाइसेंसी हैं किसी की भी इतनी हालत अच्छी नहीं है कि वो 10 लाख भी इकट्ठा करके गवर्नमेंट को दे सके। जितना टैक्स बनता है हम उतना दे रहे हैं, एक पैसा भी हमारा ड्यू नहीं है, विद इंटरेस्ट दे रहे हैं, राउंडिंग फीस दे रहे हैं, बहुत कुछ गवर्नमेंट ने हमसे लिया। और जो लोगों में धारणा है कि करोड़ों रुपए का व्यापार करते हैं ये शराब वाले, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि तकरीबन 96% पैसा गवर्नमेंट लेती है हमसे, सिर्फ 4% पैसा हमारे पास बचता है, उसमें से भी पैसा हमारा लॉस हो जाता है। तो 2% पे हम लोग काम करने वाले, रोजी रोटी चलाने वाले, और वो यूथ जिसके पापा दादा को लाइसेंस मिला, फिर पापा को मिला, उसके बाद बेटे के पास है और हमसे हर साल लिख के लिए जाता है एक एफिडेविट कि आप कोई नौकरी नहीं करोगे, कहीं अप्लाई नहीं करोगे, कोई और बिजनेस नहीं कर सकते। तो खुद गवर्नमेंट ने हमें अनएम्प्लॉयड बनाया और अनएम्प्लॉयड बेस पे हमें लाइसेंस दिए जहाँ हमारे नाम ट्रांसफ़र हुए। तो आज क्या ऐसी विडंबना है कि मेरी उम्र 56 ईयर्स है, अब मैं क्या काम करूँगा?
कोई नौकरी नहीं ले सकता, कोई रेडी फड़ी नहीं लगा सकता, कोई किताबों की दुकान नहीं डाल सकता, कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे अच्छी अच्छी क्लासों में पढ़ रहे हैं, उनकी फीस देनी है, पूरा सेटअप है, फोर्थ ईयर में बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ से देंगे? और बैंक के कर्जे, मतलब इतनी बुरी हालत है, कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लेडीज़ विडोज़ हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई, उसके बाद लेडीज़ के नाम ट्रांसफ़र हुआ, उनके बच्चों के नाम लाइसेंस ट्रांसफ़र हुआ, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? मैं कहता हूँ कि क्यों हमारे पर ऐसी विपता आन पड़ी है कि इतना अच्छा भारतीय जनता पार्टी काम करते हुए भी आज हमें ब्लेम हो रहा है कि सारा काम जी जम्मू में हो रहा है, कोई मतलब अच्छे अच्छे जो हमारे नेता उन पर ब्लेम लग रहे हैं जी, वो इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करना चाहूँगा आपके माध्यम से, अपने भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं से, कि वो इसमें आएँ और स्टेट को बचाएँ, इस ट्रेड को बचाएँ। ये जम्मू का ट्रेड है, डोगरा लोगों का ट्रेड है, 99% जम्मू का ट्रेड है और बिल्कुल साफ सुथरा ट्रेड है, कोई इसमें वो गपलाबाजी नहीं, कुछ नहीं, सारा एक्साइज के हाथों में चलने वाला ये ट्रेड है। इसलिए इस ट्रेड को बचाया जाए, इन लोगों की रोजी रोटी चलने दी जाए और लोग खुशी से अपना जीवन बसर करें और सब ठीक ठाक रहे, यही मेरी सारे ऑफिसरों से और सारे अपने नेताओं से प्रार्थना है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जी, मैं अरविंद शर्मा। जब हम ये 370 टूटा था तो हम सब बड़े खुश हुए थे उस समय कि हमें भी एक अधिकार मिला जम्मू वालों को, तो कुछ अच्छा जीने का, अच्छा हमें माहौल मिलेगा। लेकिन उसका नतीजा ये मिला हमें कि हमारे जो लाइसेंस हैं आज वो बांट दिए जा रहे हैं। आप ये देखो कि ये पॉलिसी कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रही, एक की रोटी लेकर दूसरे को दे रहे हैं, और जो भी इस बिज़नेस में आएगा वो करोड़ों जिसके पास होंगे वही ये काम कर सकेगा, क्योंकि आम आदमी को पता नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये पॉलिसी जो है अच्छी है, इनको सबको मौका मिलना चाहिए, अनएम्प्लॉयड यूथ को कहीं कोई मौका नहीं मिलने वाला इसमें। इसमें जो सरमायादार होगा वही आएगा, वही बिड कर सकेगा। हम लोग अपनी दुकान को जानते हैं कि मैं वहाँ से कितना कमा रहा हूँ, और उससे हमारी एक लिमिटेशन है, लेकिन जिसने ये बिजनेस लेना है वो कोई लिमिट में नहीं खेलेगा। ये डोमिसाइल इन्होंने ज़रूर रखा है, लेकिन डोमिसाइल आप बताओ, माइनिंग वगैरह के जो ठेके हुए वहाँ भी उन्होंने आगे डोमिसाइल कर दिया जम्मू के लोगों को, और बिजनेस सारा वो ले गए। जो 800 रुपये में रेत की आपको ट्राली मिलती थी वो 2000 में 3000 में मिल रही है। यही सेम यहाँ होगा, सुपीरियस लिक्वर आएगा, इनको पैसे किसी के पूरे नहीं होंगे इस पॉलिसी से। सुपीरियस लिक्वर आएगा जम्मू में, आज तक 60 सालों में कभी मेरे ख्याल है किसी की डेथ नहीं हुई किसी की भी शराब पी के, गंदी शराब से। जो बाहर से भी हमारे दोस्त आते हैं या कोई भी आता है वो कहता है कि J&K में शराब की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है। हम जानते हैं कि क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे हम लोग टैक्स देते हैं 0.25%, हमें सिर्फ जो लीकेज ब्रेकेज मिलती है वही हम रखते हैं। बाकी डिपार्टमेंट ने इतनी सख्ती की हुई है, अगर किसी का टाइमली अगर फीस नहीं वो जमा कर सकता या कुछ, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, 2 साल पहले मेरे से फीस का वो 6 महीने लेट हुई थी और मेरे को 2 लाख के ऊपर 72,000 इंटरेस्ट पे करना पड़ा। अब ये बताओ कि इतना ट्रांसपेरेंट काम है, इतने अच्छे तरीके से ये डिपार्टमेंट चला रहा था, सब कुछ अच्छा था, ये एकदम से ये पॉलिसी जो थोप दी गई है हम पे, ये बहुत गलत बात है। अब कहाँ जाएंगे? मुझे पूरा विश्वास है जो ऊपर हमारे सुप्रीमो हैं, जो हमारी स्टेट को चला रहे हैं, LG श्री मनोज सिन्हा नहायत अच्छे आदमी हैं। मैंने पहले भी कहा कि उनका जो फेस है वो दर्शाता है कि वो यहाँ आए हैं लोगों को बसेरने के लिए नहीं, लोगों को बसाने के लिए आए हैं, लोगों का रोजगार चलाने के लिए आए हैं। और यहाँ पे जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी एक अच्छे इंसान है, और दूसरा ये फाइनेंशियल कमिश्नर है जो हमारे फाइनेंस के हैं, ऑनेस्ट लोग हैं ऊपर बैठे हुए। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं ये कहाँ से हो रहा है, लेकिन ये भी हमने पता कराया कि कोई ना कोई बड़ी फिश जो है वो पीछे है, और हमें इनडायरेक्टली जो है हमारी लाइफ थ्रेट के लिए भी लोग जो है इनडायरेक्टली हमें हिट कर रहे हैं।